हेलो बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। ये डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है, पहले इसको समझना ज़रूरी है। बच्चों मान लीजिए कि मैं बैंक और कैश से कुछ ट्रांजैक्शन करता हूँ, यानी कि कैश का मतलब है मेरा वो कैश जो कि मेरे ऑफिस में अवेलेबल है मेरे कैशियर के पास, और बैंक का भी मैं अपने यहाँ हिसाब किताब रखता हूँ, यानी कि इस सिस्टम के अंदर टू वे कॉलम बनाए जाते हैं बैंक के भी और कैश के भी। अगर मैंने कोई चेक डिपॉजिट करवाया है तो मैं अपने बैंक को भी यहाँ पे इंक्रीज कर देता हूँ, यानी कि न केवल मैं अपने अकाउंट का हिसाब किताब रखता हूँ कैश में, बल्कि मैं हिसाब किताब रखता हूँ अपने बैंक का भी। मेरे बैंक से होने वाले लेन देन सारे के सारे इस कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं, और इसी वजह से इसके अंदर हम दो कॉलम बनाते हैं, नंबर वन कॉलम कैश और नंबर टू बैंक। तो देखिए ये रहा इसका फॉर्मेट, मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। कैश बुक जैसा कि हमने सीखा था वैसा ही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फर्क आया है कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। उधर भी क्रेडिट साइड पे कैश और बैंक के कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं, रेस्ट सब सेम है। रिसीट साइड डेबिट साइड पे है, पेमेंट क्रेडिट साइड पे है। रूल क्या फॉलो हो रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट। कैश और बैंक में जब भी कुछ आएगा यानी कि बढ़ेगा तो मैं रिसीट साइड लिखूंगा, और अगर कैश या बैंक से कुछ जाएगा तो मैं उसको पेमेंट साइड पे लिखूंगा। सिंपल, हम इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए इस चीज को समझने के लिए हम लोग एक प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। ठीक है जी, ये ट्रांजेक्शंस हमें दी हुई हैं और इन ट्रांजेक्शंस के ऊपर हमें बनाना है अपना कैश बुक, टू वे कॉलम यानी कि कैश भी और बैंक भी। अब यहां पे सबसे पहले आप देखिएगा मार्च फर्स्ट को बोला गया है कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं। ओपनिंग बैलेंसेस क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं इस वजह से डेबिट साइड पे ही आएंगे, तो मैं लिख दूंगा टू बैलेंस बीडी। और बच्चों दोनों के ही फेवरेबल बैलेंस है, दोनों के ही फेवरेबल बैलेंस है, कोई भी ओवरड्राफ्ट नहीं है, नेगेटिव बैलेंस नहीं है, इस वजह से मैं इसको डेबिट साइड पे लिखूंगा। कैश इन हैंड में मैंने कैश 15,000 लिख दिया और बैंक में मैंने 50,000 रुपीज लिख दिया। ओके, आइए आगे पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹6,000, और आगे एक एस्ट्रिक का साइन है, गौर से देखिएगा, एक एस्ट्रिक एस्ट्रिक का साइन है। अब एस्ट्रिक का साइन हमें इंडिकेट करता है कि शायद इससे रिलेटेड कोई नोट नीचे दिया हुआ हो। जी हाँ, यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ट्रांजेक्शन मार्क्ड विद एस्ट्रिक साइन आर सब्जेक्ट टू सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एट द रेट 6% ईच। यानी कि जिन जिन ट्रांजेक्शन के ऊपर एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ है उनके ऊपर हमें सी जी एस टी और एस जी एस टी 6-6% के हिसाब से जो है वो अप्लाई करना है। तो यहां पर दिया हुआ है हमने गुड्स परचेज की फॉर कैश, गुड्स परचेज की फॉर कैश, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लेकिन यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी भी डेबिट होने वाले हैं, तो हम क्या लिखेंगे जी, हमारी जनरल एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट सी इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी टू कैश। तो मैं इसको क्योंकि कैश की आउटगोइंग हुई है पेमेंट साइड पे लिख दूंगा, मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, बाय परचेजेस, बाय परचेजेस, और साथ ही कैश डाउन हुआ है, साथ ही कैश डाउन हुआ है किस वजह से, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी की वजह से। तो कैश की आउटगोइंग ना केवल परचेजेस की हुई है, परचेजेस की वजह से हुई है, बल्कि टैक्स की वजह से भी हुई है। परचेज कैश में मुझे लिखना है, बैंक से नहीं हुआ, चेक नहीं दिया हमने, कैश में हमने क्या किया है, परचेज किया है, तो मैंने कैश के कॉलम में 6,000 रुपीज लिखा और टैक्स भी मैंने पे किया 6%, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 360 रुपीज।
360 rupees ईच। ठीक है जी, आप देख सकते हैं मैंने कैश के कॉलम में ही लिखा है उसे। अच्छा आगे पढ़ते हैं, डिपॉजिट इन बैंक रुपीज 5000 है, इसकी जनरल एंट्री सोचिए क्या होगी, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा, तो ये एक कॉन्ट्रा एंट्री है। ये क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। जब भी हम बैंक में पैसा डालते हैं या बैंक से पैसा निकालते हैं उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है जी, तो अब सोच करके देखिए कि बैंक में, बैंक से क्या, बैंक में पैसा बढ़ जाएगा तो मैं कहां पे आ जाऊंगा, मैं रिसीट साइड में बैंक में लिख दूंगा, तो मेरे पास में मेरा बैंक बढ़ जाएगा। बैंक के अंदर क्या हुई है, इनकमिंग हुई है, बैंक के अंदर इनकमिंग हुई है क्योंकि मैंने डिपॉजिट करवाया है, तो इसलिए मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा बैंक कॉलम की, क्या लिखूंगा, टू कैश। किस वजह से बैंक बढ़ा है, कैश की वजह से बढ़ा है क्योंकि मैंने डिपॉजिट कराया है। कितना कराया है मैंने, 5000 rupees, 5000 rupees, 5000 rupees मैंने डिपॉजिट कराया है, और इस डिपॉजिट कराने की वजह से क्योंकि कैश कम हो गया है तो उसको मैं कहां लिखूंगा, क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। तो कैश में मेरे को कितना कम कर देना है, कैश में मुझे कम कर देना है 5000 rupees, और नाम क्या आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, बाय बैंक कितना, 5000 rupees। इसका मतलब क्या हुआ कि बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया तो डेबिट साइड पे आया। ठीक है जी, याद है ना रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो व्हाट कम्स इन कहां पे, क्या बढ़ा था, बैंक बढ़ा था और कैश घटा था, तो इस वजह से कैश के कॉलम में मैंने बैंक का नाम लिखा और बैंक के कॉलम में मैंने कैश का नाम लिखा, और इसको मैं नाम क्या देता हूं, इसको मैं नाम देता हूं कॉन्ट्रा एंट्री, सी सी। वैसे तो हम लेजर फोलियो के अंदर ये चीज नहीं लिखते, लेकिन बावजूद उसके मैंने यहां पे लिख दिया है, लेकिन इसको लिखते यहां नहीं है, लेजर फोलियो इस काम के लिए नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं, कैश सेल्स रुपीज 10000 और साथ ही एस्ट्रिक का साइन भी है, तो इनकमिंग हुई है कैश की, कैश की इनकमिंग हुई है तो कहां लिख दिया जाएगा, डेबिट साइड पे लिख दिया जाएगा, और टू सेल्स लिख दूंगा मैं, टू सेल्स लिख दूंगा, कितने का, 10000 rupees का। तो कैश सेल्स हुई है, कैश के कॉलम में मैंने 10000 rupees लिख दिया, और साथ ही टू आउटपुट, टैक्स भी तो आया है क्योंकि एस्ट्रिक का साइन है ना, टू आउटपुट CGST और साथ में टू आउटपुट SGST। ठीक है जी, कितना परसेंट, 6%, कितना हो गया, 600 rupees, यानी कि 600 rupees मैंने टैक्सेस भी कलेक्ट कर लिए। ठीक है, अच्छा 5000 rupees की कॉन्ट्रा एंट्री की जो डेट थी वो 5 मार्च थी, 5 मार्च, और कैश सेल्स की जो डेट है वो है 8 मार्च, तो इन सब के ऊपर डेट्स डालना कंपलसरी है, 8 मार्च। ठीक है, परचेजेस जो हमने की थी 6000 rupees की, 3 मार्च को की गई थी, तो मैंने यहाँ डेट डाल दी 3 मार्च, और साथ ही मैंने जो गुड्स परचेज की थी 6000 रुपये की, हाँ उसी की डेट थी ये 3 मार्च, और उसी के साथ में ये टैक्सेस भी थे 3 मार्च और 3 मार्च, यहाँ भी डाल देता हूँ, और बैंक की जो कॉन्ट्रा एंट्री थी उसकी डेट थी 5 मार्च, तो मैंने यहाँ पे भी वो डेट डाल दी। डेट्स का बहुत रेलेवेंस है बच्चों, डेट्स को हम दरकिनार नहीं कर सकते। खैर आगे चलते हैं, लिखा है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉ कर लिया यानी कि कैश बढ़ जाएगा और बैंक घट जाएगा, तो ये भी क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री है। अब देखो मैंने क्या बोला, कैश की इनकमिंग हुई है तो कैश को मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पे लिखूंगा, रिसीट साइड पे लिखूंगा, किस नाम से, बैंक के नाम से, टू बैंक। ठीक है जी, और ये क्या है, ये कॉन्ट्रा एंट्री है। इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 10 मार्च, 10 मार्च को मैंने पैसा जो है वो निकाला है, इस वजह से मेरा कैश जो है वो बढ़ गया है, कितने से बढ़ गया है, 2000 रुपये से, और मेरा बैंक जो है वो घट जाएगा, तो बैंक में मैं क्या लिख दूंगा, इधर की तरफ पेमेंट साइड पे, पेमेंट की है किसने, बैंक ने, बैंक ने पेमेंट की है 10 तारीख को, 10/3 को, और बैंक जो घटा है वो किस वजह से घटा है, क्योंकि हमने कैश विड्रॉ कर लिया है 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। ठीक है जी,
ये 2000 रुपीज से हमारा जो बैंक था वो घट गया, इस वजह से पेमेंट साइड पे आया है, और कैश क्योंकि बढ़ गया है इस वजह से ये रिसीट साइड पे आया है। अच्छा, इसके बाद पढ़ते हैं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम दामिनी 3000, अलाउ हर डिस्काउंट ऑफ रुपीज 100 अगेंस्ट ड्यू। हमने दामिनी से 3000 रुपए लिए और 100 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया। अब कुछ बच्चे यहां पे कुछ गलती कर देते हैं, वो सोचते हैं कि 2900 हमने रिसीव किया है। नहीं बच्चों, हमने 3000 ही रिसीव किया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना कि दामिनी से हमने रिसीव्ड, वर्ड क्या लिखा है, रिसीव्ड, रिसीव कितना किया 3000, तो इसका मतलब उन्होंने हमें देने थे कितने 3100, लेकिन हमने रिसीव किए कितने 3000 रुपीज, तो 3000 से मेरा कैश बढ़ जाएगा। लेकिन 100 रुपए का यहां पे हम क्या करें बच्चों? अगर मैं 3 कॉलम कैश बुक बना रहा होता जिसके की अंदर मेरे को डिस्काउंट का कॉलम भी बनाना पड़ता तो मैं इस डिस्काउंट को वहां पे लिख देता, लेकिन ये 2 कॉलम कैश बुक है, यहां पे हम डिस्काउंट को बिल्कुल इग्नोर करेंगे। चाहे डिस्काउंट रिसीव किया गया हो, चाहे डिस्काउंट अलाउ किया गया हो, हमें यहाँ डिस्काउंट को टोटली हटा देना है। हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल इसको चीज़ को नहीं रखना अपने माइंड में कि भाई डिस्काउंट का हमने इस क्वेश्चन के अंदर कुछ करना है। ठीक है जी, तो हमने डिस्काउंट को इग्नोर किया और दामिनी से 3000 रुपये रिसीव किए, कैश में रिसीव किए, तो कैश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नाम किसका आ जाएगा, दामिनी का, दामिनी। ठीक है, 3000 रुपये कैश के अंदर मैंने बढ़ा दिए, और इसकी जो डेट थी वो थी 12 मार्च। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा है, रिसीव चेक फ्रॉम निमित, निर्मत, हाँ जी निमरत, निमरत है, निमरत। अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं भी मोबाइल में देख रहा हूँ, दृष्टि मेरी भी थोड़ी सी कमज़ोर है, कोई बात नहीं। रिसीव चेक फ्रॉम निमरत ₹2000 एंड अलाउ हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यू। अब यहाँ पे ना चेक रिसीव किया गया है बच्चों, यहाँ पे चेक रिसीव किया गया कितने का, 2000 रुपये का, 2000 रुपये। अब यहाँ पे हम इसको क्या मान रहे हैं कि हमने जो चेक रिसीव किया उसको हमने डिपॉजिट कर दिया है, हम क्या मान रहे हैं अपने मन में कि हमने इसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया होगा। ठीक है जी, तो जो 2000 रुपये का चेक है उससे उससे मैं बैंक को बढ़ा दूंगा, क्योंकि चेक हमारी कैश को नहीं बढ़ाते, हमारे बैंक को बढ़ाते हैं, ये कहाँ चलते हैं, बैंक में चलते हैं, तो बैंक के अंदर मैं कितने लिख दूंगा, 2000 रुपये बढ़ा दूंगा, और नाम किसका आ जाएगा, निमृत का। ठीक है जी, टू निमृत, और इसकी जो डेट थी वो कब थी, 15 मार्च, 15 मार्च। अच्छा जी, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड ए पोस्ट डेटेड चेक, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, रिसीव ए पोस्ट डेटेड चेक डेटेड ऑन 23 मार्च 2019। ठीक है जी, 23 मार्च 2019 का जो चेक था वो हमें रिसीव हो गया है 18 मार्च को ही, तो ये पोस्ट डेटेड चेक है फ्रॉम दीपक 5000 रुपये। अब एक सोच करके देखो बात, अगर मैंने इस चेक को रिसीव किया है और मैं अपने बैंक को बढ़ा देता हूँ ये सोच करके कि मैंने वो तो पैसे बैंक में आ गए हैं, चेक आ गया, तो क्या ये सही होगा, क्या मेरा बैंक 18 तारीख को बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पोस्ट डेटेड चेक है, बाद में, पोस्ट डेटेड का मतलब बाद के लिए, 23 मार्च का चेक मेरे बैंक को 18 मार्च को नहीं बढ़ा सकता, तो वो 23 मार्च को ही चलेगा, वो बैंक में 23 मार्च को ही चलेगा, तो जब वो 23 मार्च को चलेगा तो 18 मार्च को मेरा पैसा बढ़ नहीं सकता, मेरा बैंक बढ़ नहीं सकता। इसलिए बच्चों मुझे क्या एंट्री बनानी पड़ेगी, माइंड में जनरल एंट्री बनानी है, क्या जनरल एंट्री होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, बढ़ा क्या, चेक इन हैंड, इसका हम अकाउंट खोल लेंगे, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और जिससे मिला है उसका नाम, दीपक का नाम क्रेडिट टू दीपक। क्या इस पूरे प्रकरण के अंदर कहीं पे भी कोई कैश या बैंक इफेक्ट हुआ है 18 मार्च को, आंसर इज नो, स्ट्रेट अवे आंसर इज नो, तो हम इसकी एंट्री इस डेट पे कैश बुक के अंदर नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है,
चेक रिसीव फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। अब 23 मार्च आ गई और 23 मार्च को जो हमने दीपक से चेक रिसीव किए थे उसको हमने डिपॉजिट कर दिया बैंक में, लेकिन यहां पे दीपक का नाम नहीं आएगा। हमने प्रीवियस एंट्री क्या बनाई थी, हमने एंट्री बनाई थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू दीपक। तो अब हम क्या करेंगे, चेक इन हैंड को क्रेडिट कर देंगे और बैंक को डेबिट कर देंगे, यानी कि हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। लाइए मैं इस चीज को यहां पे समझा देता हूं, आपको अलग से समझा देता हूं। देखिएगा, जब हमने चेक रिसीव किया उस दिन ये चेक चल नहीं सकता था, इसलिए हमने एंट्री क्या बनाई, चेक इन हैंड डेबिट टू दीपक। ठीक है जी, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। और सेकेंड एंट्री क्या हुई, जब हमने इसको डिपॉजिट कर दिया तो एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। ठीक है जी, तो चेक इन हैंड को हम क्रेडिट करेंगे, तो अब दोबारा से दीपक का नाम नहीं लिखा जाएगा क्योंकि दीपक तो एक बार ही क्रेडिट हो चुका है ना। तो अब चेक इन हैंड को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे जो नाम आएगा वो दीपक का नहीं आएगा, चेक इन हैंड का नाम आएगा। ओके, चलिए इसको यहां से मैं रब कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और कंफ्यूजन ना हो इसी वजह से मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा था, ब्लू से नहीं लिखा था। चलिए लिखते हैं यहां पे अपने, हमारा बैंक बढ़ गया और बैंक बढ़ गया किससे, चेक इन हैंड से। तो टू चेक इन हैंड, ठीक है, और बैंक बढ़ जाएगा कितने रुपए से, 5000 रुपए से। बैंक कॉलम के अंदर आप क्या एंट्री लिख देंगे, 5000 रुपए की एंट्री लिख देंगे। और इसकी जो डेट थी वो थी 23 मार्च। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, इशूड चेक ऑफ ₹2500 टू चंदर। चंदर को हमने इशू किए चेक, यानी कि हमारा बैंक कम हो जाएगा। पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम को मैं इसके अंदर हेड करने वाला हूं। ही अलाउड डिस्काउंट 125, उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया। मैंने पहले ही इस बात को बता दिया कि डिस्काउंट को हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। डिस्काउंट को हमें इस क्वेश्चन के अंदर इग्नोर करना है। तो अब मैंने चेक इशू किए तो बैंक कम हो जाएगा, इसलिए मेरे को पेमेंट साइड पे बैंक कॉलम के अंदर लिखने पड़ेंगे। और दिए किसको थे ये चेक, मैंने बाय चंदर, चंदर नाम था ना इनका, शायद चंदर ही नाम था, हाँ जी चंदर ही नाम था, बाय चंदर। ठीक है जी, तो मेरा जो बैलेंस कम हुआ है 24 मार्च को, वो किस वजह से कम हुआ है, बैंक का बैलेंस चंदर की वजह से कम हुआ है। और कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 2500 का अमाउंट आ जाएगा, 2500 का अमाउंट आ जाएगा। अच्छा जी, चलो आगे देखते हैं। विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक कम हो गया, बैंक से पेमेंट साइड पे कहाँ पे आएगी, क्रेडिट साइड पे आएगी ये एंट्री। ठीक है, और नाम आ जाएगा किस वजह से बैंक कम हुआ है, ड्रॉइंग्स की वजह से, बाय ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज को क्या कहते हैं, ड्रॉइंग्स ही तो कहते हैं बच्चों। ठीक है, 24 के बाद में ये 27 मार्च की एंट्री थी और हमारा जो ड्रॉइंग्स करने से ₹1500 बैंक में कम हो गए हैं, 1500। अच्छा जी, इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा ₹40,000, और साथ में एस्ट्रिक का साइन, यानी कि इसके ऊपर हमें अप्लाई करना है CGST और SGST, लेकिन क्रेडिट पे है तो क्या कैश बुक के अंदर इसकी एंट्री होगी, नो एंट्री, इसकी कोई एंट्री यहां पे नहीं होगी। इसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद लिखा हुआ है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब सोल्ड गुड्स भी ऑन क्रेडिट था और परचेज गुड्स भी ऑन क्रेडिट है। चंदर से हमने कुछ क्रेडिट पे गुड्स परचेज कर ली, तो ये परचेज क्योंकि क्रेडिट पे किया गया इसलिए कैश बुक के अंदर एंट्री नहीं आएगी। भाई कैश बुक के अंदर तो वही एंट्रीज आती हैं जिनमें कि कैश इफेक्ट होता है, कैश की इनकमिंग होती है या आउटगोइंग होती है, या फिर बैंक की इनकमिंग होती है या फिर बैंक की आउटगोइंग होती है। तो इन दोनों का एंट्रीज को हमें इग्नोर करना है। 31 मार्च को एक एंट्री दी गई है, रिसीव चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2000 एंड डिपॉजिट इन बैंक। तो बैंक हमारा बढ़ जाएगा अशोक मित्रा के नाम से। कहां पे आ जाएगी ये एंट्री, ये आ जाएगी हमारे पास में रिसीट साइड पे, टू अशोक मित्रा, मैं AM लिख देता हूं। ठीक है जी,
31 मार्च की ये ट्रांजैक्शन है, मार्च 31। अशोक मित्रा ने हमें कितने पैसे दिए हैं? हमें दिए हैं 2000 रुपए। ठीक है, तो बैंक कॉलम के अंदर मैं यहां पे 2000 रुपीज लिख देता हूं। अब सारी की सारी मेरी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं, सारा का सारा मेरा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। ठीक है जी, तो अब मुझे यहां पे क्या लिखना है, बैलेंस सीडी लिखने हैं, और उससे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों साइड का टोटल मेरे पास में क्या है। तो जब मैं यहां पे टोटल करूंगा तो मेरे को डबल लाइन लगा करके पहले इन दोनों कॉलम्स को, कैश को भी और बैंक को भी बंद कर देना। ठीक है, और मेरे कैश का जो टोटल है वो है 31,200 रुपीज का, 31,200, और बैंक का जो मेरा टोटल है वो है 64,000 रुपीज का, 64,000 रुपीज का, और क्रेडिट साइड के बैलेंसेस कुछ कम हैं इस मुकाबले पे। तो 31 मार्च को मैं लिख दूंगा बाय बैलेंस सीडी कैरेट डाउन, ये मेरी बैलेंसिंग फिगर होगी, और मेरी बैलेंसिंग फिगर यहां जो आ जाएगी कैश कॉलम में 19,480 रुपीज की कैश में, और बैंक में आ जाएगी 58,000 रुपीज की, और यहां पे भी मुझे इसी तरीके से डबल लाइन लगा करके अकाउंट को बंद कर देना पड़ेगा। और यहां पे बैलेंसेस मैं सेम लिख दूंगा, 31,200 कैश में और बैंक में 64,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, ये है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन। मैं स्क्रीन से आउट हो जाता हूं ताकि आप इसको अच्छे से कॉपी कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। गणेश कमेंस बिजनेस ऑन 1st April 2017 विद 2000 एज कैपिटल, यानी कि उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की। ही हैड फॉलोइंग कैश ट्रांजेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और सारी ट्रांजेक्शन देने के बाद लास्ट में पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है मेक आउट टू कॉलम कैश बुक, और टू कॉलम कैश बुक कैश और बैंक कॉलम नहीं है, यहां लिखा है कि हमें बनाना है कैश एंड डिस्काउंट कॉलम फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2017। बच्चों हालांकि हमें जब क्वेश्चन में कहा नहीं होता तब हम कैश और बैंक के कॉलम बनाते हैं, लेकिन बावजूद इसके इस क्वेश्चन के अंदर क्योंकि बोला गया है, इस क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिकली बताया गया है कि हमें डिस्काउंट का और कैश का कॉलम बनाना है, तो हम ऐसे ही बनाएंगे। देखिएगा फॉर्मेट आपके सामने है, मैंने क्या किया है, मैंने रिसीट और पेमेंट की एक कैश बुक बनाई है और यहाँ पे डिस्काउंट का एक कॉलम बना दिया है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने कैश और बैंक के कॉलम बनाए थे, जबकि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने डिस्काउंट और कैश का कॉलम बनाया है। तो सबसे पहली एंट्री हमारे पास में होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल हमारी पहली जनरल एंट्री होगी। तो इसको मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये 1st April 2017 को जो बनाया गया है ये है टू कैपिटल, क्योंकि मेरा कैश, बिजनेस का कैश जो है वो बढ़ गया है, और डिस्काउंट के कॉलम में हम कुछ नहीं लिखेंगे, 2000 रुपीज सिर्फ कैश में लिख देंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। लिखा है परचेज फर्नीचर एंड पेड इन कैश, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज किया और पेमेंट जो की वो हमने किसमें की, कैश में की। ठीक है, फर्नीचर परचेज करने की वजह से हमारी पेमेंट साइड पे ये एंट्री आने वाली है, और लिख देने वाला हूं मैं क्या, बाय फर्नीचर, ठीक है जी, बाय फर्नीचर, और फर्नीचर मैंने 500 रुपए का परचेज किया है। ठीक है, और कैश पे कर दिया है, नहीं 500 नहीं 250 का, तो कैश के अंदर मेरी आउटगोइंग हुई है इसलिए मैं यहां पे 250 रुपीज लिख दूंगा, और इसकी डेट लिख दूंगा 1st April। ठीक है जी, यहाँ पे कोई भी जीएसटी का चक्कर इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिखाई दिया अब तक। नेक्स्ट जो है वो है 2nd April की एंट्री, परचेज गुड्स, मैंने गुड्स परचेज कर लिए हैं, गुड्स परचेज कर लिए हैं 500 रुपए के, तो मेरा कैश क्या हो गया, कम हो गया है, तो मेरी एंट्री क्या बन जाती है,
मेरी जर्नल एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश की आउटगोइंग हुई है इसलिए पेमेंट में मैं क्या लिख दूंगा, गुड्स परचेज करी हैं तो ये परचेजेस के नाम से मैं यहाँ पे लिख दूंगा और डेट क्या आ जाएगी 2 अप्रैल, 2 अप्रैल, और कैश डाउन हो जाएगा कितने से, 500 रुपए से, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश सेल्स हुई है मेरी और कैश सेल्स हुई है तो कैश की इनकमिंग हुई है, और इनकमिंग हुई है तो मैं कहां पे रिसीट साइड पे लिख दूंगा टू सेल्स के नाम से, कैश सेल्स है ना ये, और कैश सेल्स है हमारे पास कितने की 4 अप्रैल को 950 रुपीज की, तो मेरा कैश बढ़ गया 950 रुपीज से। अभी तक आप देख सकते हैं कि यहां पर डिस्काउंट का हमने कुछ नहीं किया है। चलिए आगे देखते हैं, 5 अप्रैल को दिया गया है पेड कैश टू राम मोहन 560 और 6 अप्रैल को बोला गया ही अलाउड डिस्काउंट ₹10। देखो बच्चों यहां पे ना गलती से, मेरे हिसाब से गलती से 6 अप्रैल लिख दिया गया है, वो 5 अप्रैल को ही डिस्काउंट हमें उससे जो है वो मिला है। देखो यहां क्या लिखा हुआ है, हमने कैश पे किया है, कैश पे किया है तो कैश पे किया होगा तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ होगा, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ होगा, तो हमने क्या करना है जी, हमने 560 का जो है वो क्या नाम है अमाउंट पेड में लिख देना है, 560 का अमाउंट कहाँ लिख देना है, पेड में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैश की आउटगोइंग हुई है किसके नाम से, किसको दिया हमने, टू राम मोहन, राम मोहन के नाम से मैंने इसको लिख दिया, और ये जो डेट है राम मोहन की 5 अप्रैल है, 5-4। अब 5-4 को मैंने उसे पेमेंट की है 560 की, इसलिए मैं कैश में 560 पेमेंट साइड पे कम कर देता हूं, और मुझे डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितने का, 10 रुपए का, तो मैंने 10 रुपए डिस्काउंट के कॉलम में लिख दिया। इस चीज के लिए हम डिस्काउंट का कॉलम बनाते हैं। आगे चलते हैं, लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम कृष्णा एंड कंपनी 600 अलाउड डिस्काउंट ₹20। अब देखिए उसी के नीचे लिखा हुआ है ना, तो वो जो एंट्री में था ना वो मिसप्रिंट था, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने रिसीव किया कृष्णा कंपनी से कितना, 600 रुपीज, तो कैश आ गया, कैश आ गया तो कहां लिख दूंगा मैं, रिसीट साइड पे टू कृष्णा के नाम से, कृष्णा से हमें कितना कैश रिसीव हुआ है, हमें रिसीव हुए 600 रुपए, 600 रुपए से कैश बढ़ गया, और उन्होंने उनको डिस्काउंट कितने का दिया है, डिस्काउंट दिया है 20 रुपए का, डिस्काउंट दिया है 20 रुपए का, और इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 6 अप्रैल। ओके नेक्स्ट बढ़ते हैं, 7 अप्रैल को क्या लिखा गया है, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस 15 रुपए, हमने कुछ छुट पुट खर्चा, पेटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, कुछ चाय पानी कुछ छोटी मोटी स्टेशनरी किसी भी चीज के लिए खर्चा करना, ठीक है। तो मैं यहां पर 7 अप्रैल की डेट डाल दूंगा और क्या लिख दूंगा, क्योंकि कैश की आउटगोइंग हुई है ना तो यहां पर पेमेंट साइड पर आएगा, टू पैटी, पैटी मतलब पैटी एक्सपेंसेस का मतलब क्या बताया मैंने, छोटा मोटा छुटपुट खर्चा, और मेरा कैश कितना कम हो गया, 15 रुपए से। अच्छा आगे पढ़ते हैं, 8 अप्रैल को कैश परचेजेस हैं 150 रुपीज की, तो इससे क्या होगा, कैश की आउटगोइंग होगी, तो मैं यहां लिख दूंगा बाय, कैश परचेजेस हैं तो बाय परचेजेस, और 150 रुपीज से मैं अपनी कैश बुक को डाउन कर दूंगा, और इसमें डेट डाल दूंगा मैं कितनी, 8 अप्रैल, 8-4, ठीक है जी। पेड टू लेबर लिखा हुआ है 13 अप्रैल को, लेबर को मैंने 1000 रुपए पे किए तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसको मैं बाय वेजेस के नाम से रिकॉर्ड कर दूंगा, भाई लेबर के नाम से तो नहीं कर सकता ना मैं, या तो सैलरी लिखता हूँ या वेजेस लिखता हूँ, क्योंकि लेबर को दिया गया इसलिए इसको मैं वेजेस बोलता हूँ, और इसकी डेट क्या है, 13-4, यानी कि 13 अप्रैल को 1000 रुपये से मेरा कैश डाउन हो गया है। अच्छा जी इसके बाद लिखा हुआ है पेड अली एंड सन, हमने अली एंड सन को 400 रुपये दिए, कब दिए, 13 अप्रैल को दिए, और उन्होंने हमें डिस्काउंट दिया कितने का, 8 रुपए का, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, 13 अप्रैल, और किसको पेमेंट करिए, बाय अली, अली को, अली एंड सन्स, क्योंकि पेमेंट की है इसलिए हमारा कैश डाउन हो गया कितना, 800 400 रुपए,
और 8 रुपए का उन्होंने मुझे डिस्काउंट जो दिया था उसको मैं डिस्काउंट के कॉलम में लिख देता हूं। अब मेरा क्वेश्चन देखने में तो खत्म हो गया लेकिन सीखना अभी खत्म नहीं हुआ। अब जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो कुछ नई बात है, उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मुझे बैलेंसेस करने हैं, बैलेंसिंग करनी है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि यहां पे मुझे डबल लाइन लगा करके जो बैलेंसिंग करनी होगी वो सिर्फ कैश कॉलम की ही करनी होगी, डिस्काउंट कॉलम की नहीं करनी होगी। तो कैश कॉलम के अंदर मेरे पास कितना है, कैश कॉलम के अंदर मेरे पास में है 29,600 होते हैं 3,500, ठीक है जी 3,550, हाँ जी 3,550, ठीक है जी 3,550 कैश के कॉलम में, और डिस्काउंट के कॉलम में कितना है 20 रुपीज है। अब होता यह है कि सेम चीज वहां पे भी आती है लेकिन अब की बार डिस्काउंट के साथ में ऐसा नहीं होगा, अब की बार डिस्काउंट के साथ में ऐसा नहीं होगा, डिस्काउंट 18 रुपए ही लिखा जाएगा जो उसका टोटल था, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर किसकी की जाएगी, कैश कॉलम की जाएगी, बाय बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर के नाम से हम जो अमाउंट लिखेंगे वो कैश के कॉलम में ही लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैश के कॉलम में ही लिखेंगे, और यहाँ डेट डाल देंगे 30/4। ऐसा क्यों, ऐसा इस वजह से, यहाँ पे मैं 3,550 लिख देता हूँ और यहाँ बैलेंसिंग फिगर जो भी होगी उसको आप कैलकुलेट कर लेना। ऐसा क्यों किया मैंने, देखो बच्चों इसका मतलब समझो, हमने किसी से, हमने किसी को डिस्काउंट दिए थे 20 रुपए के, तो जाहिर सी बात है ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि हमने किसी को डिस्काउंट दिए हैं, ठीक है जी, हमने किसी को डिस्काउंट दिए 20 रुपए के तो हमें भी कहीं से डिस्काउंट मिले 20 रुपए के ही, ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। हमें डिस्काउंट रिसीव कितने के हुए हैं, हमें डिस्काउंट सिर्फ 18 रुपए के रिसीव हुए हैं, तो मैं ऐसा तो नहीं कह सकता ना बैलेंसिंग फिगर डाल करके अभी 2 रुपए का डिस्काउंट मैं नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर दूंगा, क्योंकि ये तो सामने वाले की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिस्काउंट देगा या नहीं देगा। इस वजह से बच्चों डिस्काउंट के कॉलम के अंदर कभी भी बैलेंसिंग फिगर आप नहीं डालेंगे, इसका टोटल करेंगे 18 और इधर लिखेंगे आप 20, और यहां पे जो बैलेंस बीडी आएगा ना नीचे की तरफ वो सिर्फ कैश का आएगा, ठीक है जी। तो जब हम 1 मई को अमाउंट लिखेंगे ना यहां पे टू बैलेंस बीडी, तो उसके अंदर, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम का ही अमाउंट आएगा, किसी भी तरीके से डिस्काउंट का नहीं आ सकता, ठीक है बच्चों। आप लोग इसको अच्छे से कॉपी कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाले समय के अंदर कोई दिक्कत ना हो। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।